was a duck. Oh, hey, Vaishnava Chakura, Dayala Sagara, Idase Karuna Kari. Bye.
सिंगर थोड़ी है, भगवान के लिए करते रहते हैं। कैसे भी गाने से भगवान के लिए गाना
Thank you.
प्रसन्नता हो। क्या बोले? ओम अज्ञान विमिरांध्रस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। ओं वृंदावै तुलसी देवै प्रियावै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्वत्यै नमो नमः। भक्ताबीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादि तरंगमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब लोग सब हिंदी समझते हैं? सब समझते हाँ। लाइट जला लाइट अंधक अंधकार लग रही ना। अच्छा चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप लोग कितने लोग जानते हो? नाम सुना कि नहीं आपने? आपका नाम क्या है? कमल। आप महापुरुष के नाम सुना? चैतन्य महापुरुष के नाम नहीं सुना? चैतन्य महापुरु पश्चिम बंगाल में नवद्वीप धाम में प्रकट हुए थे, जन्म लिया था। उन्होंने सारा विश्व में अपने नाम संकीर्तन के द्वारा समस्त जीवों के जो है प्रेम प्रदान किया। क्योंकि इस कलियुग की धर्म क्या है? नाम संकीर्तन। ये चार युग है, समझ रहे हैं? कितना युग बताया? चार युग, सत्य त्रेता द्वापर और कलि। हर युग की युग में संग भगवान समय समय पर आते हैं। और भगवान इस संसार में आते हैं दुष्ट दुष्टों के दमन करने के लिए और साधुओं की रक्षा करने के लिए, और पुनः जो है इस संसार के युग धर्म स्थापित करने के लिए, जिससे गीता में संग भगवान कह रहे हैं जदा जदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत परित्राणं साधुनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थय संभवामि जुगे जुगे। स्वयं भगवान गीता में अर्जुन के उपदेश देते हुए कहने लगे, जब जब असुर लोक आकर के ये वर्णाश्रम धर्म के जब नष्ट कर देते हैं। वर्णाश्रम धर्म समझते कि नहीं?
ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और आश्रम, इसलिए हमारे वैदिक शास्त्र में कहते हैं वर्ण आश्रम धर्म कहा जाता है। जैसे आपका गोत्र है, जानते हो आपका गोत्र क्या है, क्या गोत्र है? किसी के कश्यप गोत्र होता है, किसी के सांडिल्य गोत्र होता है, ऋषियों के जो है हम लोग सब ओडिशी से आए हैं। पहले आपके बता देता हूं, हम लोग की जी हम लोग मनुष्य कहते हैं, मानव कहते हैं ना, ये ब्रह्मा, इस संसार के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी है। कौन है? ब्रह्मा जी है। उनके कितने माता है, कितने सिर है ब्रह्मा जी का? चार। आपका कितना है पहले बताओ, पहले आपका कितने सिर है? एक है। क्यों भूल जाओगे ना, या आपका सिर कितना है आप भी भूल गए इसे क्योंकि हम संसार में पड़े हुए ना, हम भूल जाते हमारे कितने माथा है, सिर है, है? ये संसार के सृष्टिकर्ता जो है ब्रह्मा जी कहा जाता है। सुनो पहले, आगे आओ तो आज इसमें कुछ सुन करके जाओ, आया तो संत महात्मा के पास आया तो कुछ लेकर के जाओ। इस संसार के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी है। कौन है? ब्रह्मा जी है, याद रखना। उनके चार माथा है। शिव जी के कितना माथा है? शिव जी के नाम सुना कि नहीं? शिव व्रत करते होंगे सर, शिव के नाम से ना, शिव जी के नाम सुना कि नहीं? नहीं सुना, सुने ही ना। अच्छा आप कहाँ के रहने वाले पहले बता दो। पहले पाकिस्तान कहाँ पर? कराची। हाँ हाँ, कराची तो। अच्छा, उधर शिव मंदिर नहीं है? है, सब कुछ है। तो शिव जी तो नाम सुना है? शिव जी के सिर होता है, पांच सिर होता है, पंच सिर शिव जी का। ब्रह्मा जी के चार होता है। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, शिव जी ध्वंस करते हैं, और विष्णु जी जो है वो पालन करते हैं, नरिशमेंट जिसको। अच्छा, तो ब्रह्मा जी संसार में जितने जीव जो है सबको सृष्टि किया है। याद दे, पेड़ पौधे, सुकर कुकर और गाय, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये ब्रह्मा जी ने सब एक एक करके सृष्टि किया, सृजन किया। सो ब्रह्मा जी इज कॉल्ड क्रिएटर ऑफ दिस मेटेरियल वर्ल्ड। ब्रह्मा जी के इस संसार के सृष्टिकर्ता कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी सबके सृष्टि करने के बाद विचार करने लगे, ये मनुष्य के सृष्टि करना है, मानव जिसे कहा जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने पहले जो मनुष्य सृष्टि किया उसके नाम है क्या? नहीं, मनु कहा जाता है। आप ठीक ने कहा ना, मनु कहा जाता है। मनु और सतरूपा इनको सृष्टि किया, एक पुरुष और एक स्त्री को सृष्टि किया, क्योंकि संसार की सृष्टि स्त्री पुरुष बिना नहीं हो सकता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने किया कि मनु और सतरूपा को सृष्टि किया। तो हम लोग कहां से हैं? हम लोग के पूर्वजों जो है मानव कहा जाता है, मनु से हम लोग आए हैं, इसलिए हम लोग के क्या कहा जाता है? मानव, मानव जाति कहा जाता है। यही मनुष्य में एक होता है जो ईश्वर के मानते हैं और ईश्वर के एक नहीं मानते हैं। जो ईश्वर के मानते, भगवान को मानते हैं, उसे कहा जाता है आस्तिक कहा जाता है, भगवान के विश्वास रखते हैं, इसलिए उसे कहा जाता है आस्तिक। और जो भगवान के विश्वास नहीं करते, मानते नहीं है, उसके नास्तिक कहा जाता है, और उसी की दानव कहा जाता है। जैसे अभी बता ना, मानव और दानव विपुल शब्द हो जाता है। इस संसार में जितने भी शब्द होता है सब विपरीत शब्द है, अपोजिट वर्ड है। आलो है तो अंधकार है, है कि नहीं? आलो है तो अंधकार, चंद्र है तो सूर्य है, दिन है तो रात है, स्त्री है तो पुरुष है, जो कुछ भी हम कहते हैं कहीं ना कहीं उसके अपोजिट वर्ड रहता है। ये बत्ती ऐसे नहीं चले, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दो वायर है ना।
तो चलो हम जिस कथा को लेकर के आ रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ने पहले मनुष्य के मानव यानी मनुष्य के सृष्टि किया, जिसे मानव कहा जाता है, और इसके मनु कहा जाता है, मनु से हम लोग आए हैं इसलिए हम लोग कहते हैं मानव कहा जाता है। फिर ब्रह्मा जी ने अनेक ऋषियों की सृष्टि आदि किया, संत महात्मा की सृष्टि किया, उस ऋषि के परंपरा में हम लोग जो आए हैं उसके एक एक गोत्र बन जाता है, गोत्र माने जिस ऋषि के परंपरा में हम लोग आए उसके गोत्र कहा जाता है और कुछ नहीं है। जैसे सांडिल्य ऋषि है इसलिए सांडिल्य गोत्र कहा जाता है, जिसे कश्यप ऋषि से आए उसके कश्यप गोत्र कहा जाता है। अच्छा आपके गोत्र क्या है? कौशिक गोत्र कहा जाता है, कौशिक ऋषि था इसलिए उसके कौशिक गोत्र कहा जाता है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने सब ब्राह्मण पहले ब्राह्मणों को सृष्टि किया है, इसलिए शास्त्र में लिखा है जन्मना जायते ब्राह्मण, और जन्मना जायते शूद्र दो शब्द कहा गया संस्कृत में, कहता हूं ये कौन बज रहे हैं? कोई बुला रहे हैं। फॉल सा आ जाता है सर, हाँ वो एडवर्टाइज के लिए आते हैं ना। सुनो पहले का मेरे बात सुन लो, कुछ कथा तो सुनो, अपने पूर्वजी के पूर्वजों के बारे में सुन लो, नहीं तो सब वो ये बस इसके तरफ चले जाओगे, डार्विन के भांति में चले जाओगे। डार्विन कहते हैं हमारे पूर्वजों कौन है? सब बंदर है। एक छोटा बच्चा 3 साल के बच्चा माँ के पूछा, माँ हमारे पूर्वजों कौन है? कहते बेटा तेरा पूर्वजो जो है, तेरा पूर्वज है मनु है ना। पापा कहते हैं हमारे पूर्वजो बंदर है। माँ कहते नहीं बेटा तेरा पूर्वजो जो है बंदर नहीं है, तेरे पूर्वजो जो है ब्राह्मण है। फिर बेटा कहने भी पापा कह रहे एक, मम्मी तू कह रहे एक, तो कौन सा सत्य है? तो मामा भाई माँ कहने लगी बेटा मैं जो बोल रही हूँ ना ये सच बोल रही हूँ, और तो पिताजी जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। बोले कैसे? तो पिताजी के पूर्व जो बंदर है, हमारे पूर्व जो ब्राह्मण है। मैं क्या बताऊँ? जॉब तुम्हारे पिताजी जब कह रहे हैं वो ठीक है, उसके पिताजी जो है उसके बंदर है, हमारे पिताजी जो है ब्राह्मण है कि नहीं? हम लोग बंदर से नहीं आए हमारे, इसलिए हमारे भागवत की कथा है। इसलिए आजकल नास्तिक लोग और डार्विन के फिलोसफी लेकर चल देते हैं, है? ये बात सत्य नहीं है। डार्विन कहते हैं देखो हम लोग सब पहले बंदर था, बंदर की भांति हमारे मुख है, बंदर की बात पहले हम ऐसे चलते थे, सिलपंची है, सिर्फ क्या बोलते हैं सिलपंची ना, क्या बोलते हैं हाँ सिलपंची है ना, वो ऐसे भी चलते हैं। बोले हम लोग भी ऐसे ही था। बोले ऐसी कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी ने सबको सृष्टि किया, मनुष्य से लेकर के गाय से लेकर के घोड़े से लेकर के बंदर से लेकर के सब सृष्टि किया। भागवत में लिखा तृतीय स्कंद में सब जीवों की उन्होंने सृष्टि किया, किंतु अंत में भगवान मानव की सृष्टि किया, मनुष्य मनु की सृष्टि किया, और उस मनु के परंपरा में हम लोग आए हैं इसलिए हम लोग के नाम मानव कहा जाता है। और इस मानव में जो दो प्रकार में बता रहे हैं, जो ईश्वर के मानते हैं उसके आस्तिक कहा जाता है, वो ऋषि लोग होते हैं, और जो ईश्वर के नहीं मानते हैं उसके नास्तिक कहा जाता है, उसके कहा जाता है मानव, और क्या हो गया? दानव हो गया। मैंने कहा ना हर शब्द में एक उल्टी शब्द होता है, अपोजिट होता है, एक मानव होता है और एक दानव होता है। जो ईश्वर के नहीं मानते वो दानव है, किंतु है तो सब परंपरा में सब आए हैं, क्योंकि माने और नहीं माने है। आजकल नास्तिक के लोग होता है, फिर उल्टी सीधी लोगों की भी सुना देते हैं, लिखे पढ़े स्कूल कॉलेज के बच्चों को भी मन में ऐसे ऑपरेशन कर देते हैं, क्या बोले ब्रेन वॉश कर देते हैं। बोले भाई ये पाठ पूजा करके क्या होगा, शिव जी के मंदिर में जाके दूध चढ़ाने से क्या होगा, पत्थर में क्या बोले दूध पानी डालने से क्या होगा, है इसे गरीब के दूध पिलाओ है खाना खिलाओ और पत्थर पूजा करने से तुम्हारे क्या होगा। दिल्ली में पानी नहीं मिलता है, अभी गर्मी पड़ रही है ना, बड़ी बड़ी लंबी लग जाता है,
बोले शिव जी के मंदिर में जाके दूध डालते हो, पानी क्यों डालते हो? लोग हजार लोग है घड़ा लेकर के बैठे हुए, उनके पानी पिला है। लोग ऐसे भी कहते हैं है, किंतु वास्तव देखा जाए जो भगवान हम लोग सब कुछ दे रहे हैं और उसके मैं थोड़ा सा पानी चढ़ा दिया और थोड़ा सा दूध चढ़ा दिया तो उसे दोष क्या है? है कि नहीं, आप बताओ है? ये नहीं कह रहा हूं जो भाई गरीब के तुम मत खिलाओ, ये नहीं कह रहा हूं। तुम्हारे पास है गरीब के खिलाओ, क्यों नहीं खिलाओगे? भगवान तुम्हें दो रोटी दिया, एक रोटी तुम खाओ और एक रोटी दूसरे के दो, दिया तो भगवान क्या करेगा? दिया तो भगवान, हम तो लाया कुछ कर लाया, कुछ कुछ हम तो लेकर के नहीं आया और कुछ लेकर के भी नहीं जाएगा। भगवान ने यहाँ पर दिया और भगवान की दी हुई वस्तु हमको दे देते हैं, दूसरे को दे देते, परोपकार करो। मनुष्य मैं क्या बोले, देवतार और मनुष्य और दानव में तीन अंतर बताते हुए सुनो, एक छोटी सी कथा सुना देता हूं। ब्रह्मा जी ने तीनों के सृष्टि किया, क्या के किसको सृष्टि किया? मनुष्य के सृष्टि किया, देवताओं के सृष्टि किया और दानव के सृष्टि किया। हम दीदी बोले ना मानव और दानव और एक देवता होता है। ये तीनों ब्रह्मा जी के पास जाकर कहने लगे, पिताजी आप तो हम लोग तीनों तीनों भाई को हम लोग सृष्टि किया, आपने तीन पुत्र के आपने सृष्टि किया, किंतु एक के स्वर्ग राज्य दे दिया है और एक के पृथ्वी के राज्य दिया, मनुष्य के पृथ्वी राज्य दिया और दानव के अब कुछ नहीं दिया। और ये दानव लोग कभी स्वर्ग में चले जाते हैं, कभी पृथ्वी में लोग आ जाता है, इन लोग के आप कुछ नहीं दिया, ये तो डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया? आप तीन पुत्र हो, आप आपका तीन पुत्र है किंतु आपने एक पुत्र दानव के कुछ नहीं दिया और मनुष्य और मानव और देवता के दे दिया। देवता के कौन से दिया? स्वर्ग लोग। मनुष्य के कौन जगह दे दिया? पृथ्वी लोग। और दानव लोग कहां जाएंगे? पातल लोग के, पातल लोग में तो कुछ नहीं है, सुख नहीं, पातल लोग के बाद में बड़े एक लोग तो स्वर्ग दिया, एक पृथ्वी दिया, पृथ्वी लोग ये इस लोग के, पृथ्वी लोग के तो मनुष्य लोग दे दिया, तो उन लोग के कुछ नहीं दिया, इसलिए वो लोग क्या करते, कभी स्वर्ग में अटक करते हैं और कभी मनुष्य लोग में इधर आ जाते हैं। अरे अच्छा, तो ब्रह्मा जी ने बोले देखो मैं तुमको समझाता हूं, तीनों के बुला करके लाओ एक साथ, मैं एक भंडारा करूंगा है, इसमें तुम देखना। अच्छा, भंडारा में आ गया सब, खाने के लिए सबको पत्तल दे दिया है, मनुष्य लोग भी बैठ गए एक तरफ, एक तरफ देवता लोग बैठे और एक तरफ पशु लोग दानव लोग बैठ गए। अभी जब खाने के लिए सब ये दे दिया ना, खाने के लिए सब कुछ दे दिया, पत्तल में भर दिया, सब खाने के लिए जा रहे हैं, इतने समय ब्रह्मा जी ने कहा रोको खाओ मत, मेरे बात एक सुन लो, एक शर्त मान लो तब खाओ। बोले क्या है पिताजी? देखो तुम लोग जो खाओगे ना, ये हाथ के जो है ऐसे टेढ़ा मत करो, हाथ को टेढ़ा मत करो और खाओ। भाई हाथ को बिना टेढ़ा करके कैसे खाओगे आप बताओ? ऐसे हम ऐसा बैठे हैं, मैंने आपको शर्त लगाया, भाई आपके पास ये पत्तल में जो कुछ खाना रखा है कैसे खाओगे? ऐसे तो नहीं खा सकते, हाथ को टेढ़ा ऐसे करके तो लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये तो मुश्किल में पड़ गए सब, आप बताओ क्या करो? आप बुद्धि लगाओ कैसे खिलाओ? नहीं आप ये बताओ खिलाओगे, आप खाओगे कैसे बोलो बताओ, ये हम वही बता देते हैं। ऐसे मुंह लगा कर ही खाओगे? पहले इतनी भी शक्ति होती थी ना कि सक्षम होता था कि मंत्र देखो। नहीं नहीं वो तो मंत्र के बाद है, अभी हम जिस तरह बैठा है हम आपके सर तो लगा दी, ये बहन जी आपके खाने का दे दिया, हाथ नहीं मोड़ेंगे तो भाई ऐसे कर, हाथ से तो खा, किंतु हाथ
बिना हाथ मोड़े हुए खाओ, कैसे खाओगे? नहीं हाथ मोड़ना नहीं चाहिए ना, हम कर आपके सर तो लगा दी, डोंट फोल्ड योर हैंड। ऐसे खाओगे ना, गाय के भांति खा लोगे आप? चलो आप गाँव गाय के भांति खाओगे ना, गाय के बाद आपसे आप बुद्धि मानो। आपने अच्छा कहा, खाना कैसे गाय के भांति खा लिया। अच्छा चलो, एक जो है गाय के भांति खाया, आप समझे, एक गाय के भांति खा लिया है? और एक विचार करने लगे, मनुष्य विचार करने लगे है? देवता लोग जो है गाय के भांति खा लिया। आपने जो बताया ना, गाय खाती है ना गाय के, तो गाय से ना जो चारा दे देते हो ना, वो ऐसे ऐसे करके खा लेते। अच्छा दानव लोग क्या करने लगे है? ये तो देवता लोग गाय के भांति खा लिया है, चाट चाट करके गाय पशु जैसे खाते ना, बस खा लिया गाय के भांति, सब चाट करके खा लिया। कहता हाथ पर लगा, दानव लोग क्या करने लगे है? वो बोले हम पशु थोड़ी है, है? दानव लोग बोले है एक काम करते हैं, हम सब फेंक देते हैं, खाएंगे नहीं किसी को। गुस्सा आ गया। अच्छा मानव लोग बैठे, माने दानव लोग खाए नहीं, उनके गुस्सा आ गया, रज तमोगुण है ना, गुस्सा है, क्या शर्त तो लगा दिया, बिना हाथ टेढ़ा करके कैसे खाएंगे है? वो फेंक करके चले गए। मनुष्य लोग बोले, मनुष्य जो तीन तीन पक्ष, मनुष्य बोले कोई बात नहीं है, पिताजी ने जैसे आज्ञा दिया खाना खाएंगे। बोले ये तो अच्छा ही है। बोले भाई एक काम करो, आप इधर बैठो, हम इधर बैठे, दोनों मनुष्य दोनों तरफ बैठे, आपको मैं खिला देता हूँ, ऐसे करके खिलाओ, आप मुझे ऐसे करके खिलाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, हाथ मोड़ने की जरूरत नहीं है, यह तो रखा है, लो आप खाओ, खेल खिलाओ इसे है। बोले इसके तात्पर्य क्या है मैं बता देता हूँ, देवता लोग जो है वो पुण्य कर लेते हैं, वो पुण्य कर बोलते हम तो भोग के सामग्री है, सर्कल में जाते हैं ना, वो किसके तरफ देखते हैं, अपने झुन धुम में, क्या बोले धुन में रहता है, ते तो भुक्ता सर्गलोक विशालों, वो तो स्वर्गलोक में जाते हैं केवल पुण्य का आदि करने के लिए, वो किसी तरह से वो जैसे गाय खाते हैं ना ऐसे खाते ही रहे, भोग उसके भोग विलास कहा जाता है, है? दानव लोग, दानव लोग अहंकारी है, ठीक है यहीं खाने नहीं दिए, हमें दूसरे के छीन लेंगे, है मार पीट करके खा लेंगे बस। चलो मनुष्य लोग जो मैंने कहा, बोले मनुष्य लोग में क्या है, लीव एंड लेट लीव, बचाओ और दूसरे के बचाओ, खाओ और दूसरे के खिलाओ। या मैंने आपको खिलाया, जैसे माँ बच्चों को खिलाती है ना, बच्चा यहाँ पर खड़े हुए, माँ यहाँ से लिया खिला दिया, और वो बच्चा भी यहाँ से लेकर के माँ तू खा, तात्पर्य क्या है, मनुष्य लोग में यही विशेषता है, एक दूसरे के जो है उपकार करते हैं, जिसको परोपकार करते हैं। असुर लोग परोपकार नहीं करते हैं, और देवता लोग तो अपने धुन में रहता, मैंने कहा यही मनुष्य देवता और दानव में यही फर्क है, डिफरेंस है, समझ में आ रहा है? हम मनुष्य मानव इसलिए कहते हैं हम दूसरे उपकार कर सकते हैं, असुर लोग दानव लोग कोई उपकार नहीं कर रहे, वो तो अपने मस्त में रहते हैं, और उनकी कार्य होता है क्या, मारपीट करना, झगड़ा करना है, ये करना उनके कोई काम नहीं यार है, दूसरे की वस्तु हड़प लो है। जो असुर लोग होता है वो क्या है, दूसरे की वस्तु हड़प लो। कभी कभी मैं एक कथा सुना, आप राम मंदिर के लिए, अभी इंडिया में राम मंदिर के लिए बहुत झगड़ा चल रहा है हिंदू और मुसलमान के लिए है, सुनो बस सुंदर कथा मैं सुनाता हूं। तो एक जगह में जो है एक मंदिर था, हिंदू के मंदिर, हिंदू के जगह था, एक मुसलमान ने उस मंदिर को तोड़ करके अपने मस्जिद बनाया, फिर हिंदू के जब जागरण हुई, हिंदू ने क्या कि वो मस्जिद को तोड़ दिया। अभी क्या हुई, हिंदू और मुसलमान ने क्या हुआ, लड़ाई शुरू हो गया है। हिंदू कहते हमारे जगह है,
मुसलमान कहते हैं हमारे जगह है भाई, कितने पीढ़ी तो बीत गए, एक पीढ़ी थोड़ी है, 200, 300, 400, 600 पीढ़ी और बहुत पीढ़ी चला गया, सो मेनी जनरेशन पास्ट। अभी क्या करें आप, कितने जनरेशन से कहां से पकड़ोगे? अच्छा, तो इसके पास एक अंग्रेज जज था, अंग्रेज जज के पास गए, मजिस्ट्रेट के पास गए, भाई इसके जो है विवाद को आप ये करो, समाधान करो। अंग्रेज जज बोले देखो ये तो बहुत मुश्किल की बात है, ये बोलते हैं हिंदू बोलते हैं हमारे पूर्व से ही ये हमारे स्थान है, हम इसे मंदिर बनाया था आज से 10,000 साल पहले, हमारे हिंदू राजा ने इस मंदिर बनाया था और ये मुसलमान ने तोड़ दिया। मुसलमान बोले देखो 5,000 साल हो गया हमारी वो ऐसे व्यक्ति ने फलाना व्यक्ति ने मस्जिद बनाया, फिर हिंदू ने तोड़ दिया, तो ये हमारा है। हिंदू बोले हमारा है, मुसलमान बोले हमारा है, तो अभी न्याय कैसे करें, न्याय कैसे करें? तो बोले दोनों हिंदू मुसलमान दोनों तुम लोग एक साथ में म्यूचुअल कर लो, कि हम कैसे कर दे। जज बोले हम कैसे म्यूचुअल करें? हिंदू बोले हमारे राइट है, मुसलमान बोले हमारा राइट है। जैसे इंडिया में अब अयोध्या मंदिर के चल रहे हैं, बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद अभी यही चीज चल रहे हैं। चलो हिंदू बोले एक काम करो, ठीक है, उनके जो मुसलमान के जो मौलाना होते हैं ना है? वो जो सच मौलाना सत्य जो मौलाना हो वही निर्णय दे दे ये जगह किसका है, तब ठीक है। अंग्रेज जाज वो मुसलमान जो मौलाना जो होते उसके बुलाया, भाई तुम बताओ तुम्हारे ऊपर निर्भर कर रहे हैं ये जगह किसका है। कुरान शरीफ के अनुसार आप धर्मज्ञ हो, आप ठीक से बोलो, तुम्हारे ऊपर निर्भर है। मौलाना साहब ने सहज सभी लोग मुसलमान सब सोचने लगे हमारे जय जयकार होगा, ये तो मुसलमान है, मौलाना साहब तो हमारे मुसलमान है, ये तो जरूर है साक्षी देंगे ये मुसलमान के हैं। सब मुसलमान लोग जय जयकार दे रहे हैं, ये जरूर आज मौलाना साहब तो कह देंगे ये मुसलमान का ही। समय के अनुसार जब जज बैठे, जज ने मौलाना साहब के बोले आप बताओ ये जगह किसका। मौलाना साहब ने कहा देखो ये जगह हिंदू का है, क्यों? हम लोग सब बाहर से आए हैं, ये भारतवर्ष की स्थान है, हमारा भारत के नाम से भारतवर्ष रह रहे हैं, हिंदू राज्य है ये, हिंदू की स्थान है। हम तो आए हैं समरकंद से आए हैं, समरकंद जानते हो? हम तो उधार से हैं, जैसे बाबर कहाँ से आए? बोलो मतलब बाहर के बाकी जो लोग हैं बाकी तो कन्वर्ट्स होते हैं। कथा सुना हमारे कथा? हाँ। बोला हम तो बाहर से आए हैं, ये स्थान जो है ये स्थान हिंदू के, इसलिए उन्होंने कह दिया। सारे मुसलमान लोग गुस्सा हो गया, अरे वैसे कहेगा कैसे कह दिया? बोले कैसे कह रहे, सच तो बोलना ही पड़ेगा, झूठ कैसे बोले? अंग्रेज जाज बोले आज मुसलमान हार गए और इस्लाम जीत गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, मुसलमान हार गए इस्लाम जीत गए, मतलब क्या है? वो सच बोले, इस्लाम धर्म की जो लिखा है जो कुरान में जो बोले वो सच बोला ही नहीं, तुम सच बोलो। हम जब सच बोलेंगे तब सत्यमेव जयते, इसलिए हमारे भारतीय मुद्रा में लिखा रहता है क्या, सत्यमेव जयते। हम जब सत्य नहीं बोलेंगे, सच नहीं बोलेंगे, हमें जय नहीं हो सकता है। सब धर्म की एक ही वाणी है, सच बोलो। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, सब धर्म की एक ही राय है, सत्यमेव जयते, सत्य ही बोलो। अच्छा अभी हम कथा में आ जाता है। मैंने अभी कहा ये मनुष्य हम लोग इसलिए दिए हैं
देवता लोग केवल अपने धुन में रहता है, माने अपने भोग विलास में रहते स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक देखा आपने कभी? सुना है। क्या है उसमें? उसमें मोर कंफर्टेबल है और मोर सो मच एंजॉयमेंट। इफ यू गो हेवनली प्लैनेट स्वर्गलोक, आप सोच नहीं सकते कितने प्रकार की भोग की विलास है। अमृत भोजन, अमृत तो देखा ही नहीं आप, देखा अमृत नेक्टर जिसको कहा जाता, अमृत भोजन उसे अमृत मिलता है, बोले जिसको खाने से लोग मरता नहीं, नौ मृतम इति अमृतम, जिसको खाने से कोई मरता नहीं है, जहां पर रोग व्याधि नहीं है, जहां पर वहीं पर कोई रोग व्याधि नहीं है, जरूरत नहीं वहीं पर, क्योंकि अमृत खाते ना शरीर सुस्त तंदुरुस्त बना रहता है, कोई कोई बुरा नहीं होता है, बुढ़ापा नहीं करता, जिसके बाल सफेद नहीं होता है, जैसे मेरा बाल सफेद हो गया ना पूरा, दिखाई पड़ रही कि नहीं, वहीं पर किसी के बाल सफेद नहीं होता है, इधर तो बाल सफेद हो जाते ना फिर क्या लगा देता है, बोले वृंदावन बिहारी लाल कर देते हैं, हैं? करते कि नहीं करते, आप लोग सब जानते हैं, किंतु उधार की कोई जरूरत नहीं, उसके बाल सफेद ही नहीं होता है, उधार ब्यूटी पार्लर जाना नहीं पड़ता है, इधर ब्यूटी पार्लर जाते हैं किस लिए? शरीर को बूढ़े के क्या बोले छोकरी बनाने के लिए, बूढ़ी के बुढ़ी है ना उसको छोकरी बना दो, कैसे ब्यूटी पार्लर में जाओ क्या क्या ऐसे लगा दिया बस हो गया। और भी था आजकल तो उनके क्लास क्या बोलते प्लास्टिक सर्जरी ने क्या कर दिया था, हमें तो भी पता नहीं है, करते कि नहीं करते, सब जानते हो आप, चलो किंतु स्वर्गलोक में जाओ ये सब कोई जरूरत नहीं भाई, वो केवल शरीर इतना सुंदर स्वस्थ रहता है, नवजीवन तंदुरुस्ती के बने रहोगे, है खान पीन जहां इच्छा तो भ्रमण करते रहो, है वहां पर कार एक्सीडेंट नहीं होगा तुम्हारा, कार चलाना पड़ता ही है पर उधर कार चलाना नहीं पड़ता है, वहां पर एक है मंत्र विमान कहा जाता है, है एक प्रकार विमान है पुष्प विमान कहा जाता है, वहां पर बैठ जाओ मन से भी तेज गति से वो चलने वाली है, यहां से इंडिया तो 2 सेकंड में पहुंच जाओगे भाई, है यहां से इनके घर में आने में तो 1 घंटा लग जाता है, किंतु स्वर्ग में बोलता है इतने दूर यहां से भारतवर्ष इंडिया जाने में है ना बोले 1 सेकंड में चले जाओगे, इतना तेज गति से जो है वो पुष्प विमान चलती है, मन से भी तेज गति से चलते रहते वो, वहीं पर कोई कार एक्सीडेंट नहीं होता है, और फिर सब कुछ प्रकार के सुख भोग के इतने सुंदर स्थान है जिसके आपके पता ही नहीं है, एक बार स्वर्गलोक में चले जाओ ना इधर इस स्थान को आने की आपकी इच्छा बिल्कुल नहीं करेगा, आप नहीं करेगी, आप जाना है किसी को सोच रहे हो, सोच लो कोई बात नहीं, आज रात तक सोच लो, जाना है तो कल बोल देना मुझे, टेलीफोन से लिख देना, ठीक है हाँ स्काइप में लिख देना, महाराज हम जाना चाहता हूँ, बस चाहती हूँ, पेड वेकेशन नहीं चाहिए, क्या जी पेड वेकेशन नहीं चाहिए, क्या फिर वो भी वेकेशन हो गया ना जब टाइम खत्म तब वहां से निकाल दिया जाता है, नहीं वहां से तब निकाल जाए तब तुम्हारे पुण्य खत्म हो जाए, तेतम भुक्त तब वहीं से निकल जाए, है पेड वेकेशन हुई ना ये, हाँ हाँ खत्म फिर आना पड़ेगा, अच्छा किंतु वो स्थान इतने सुंदर है मनोरम स्थान है जिसके हम वर्णन नहीं कर सकते, वहां क्यों जाएं फिर जहां आना पड़ता है, वहां क्यों जाएं जहां फिर स्पॉइलों के और मुश्किल है, नहीं भाई इंडिया से लोग अमेरिका आ जाते हैं फिर अमेरिका से फिर इंडिया चले जाते हैं, इंडिया से अमेरिका आते आप जाते आते रहते नहीं कहते हैं, चलो आपके कर्म क्षेत्र है आते रहो जाते रहो, अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार संसार के लोग सब जगह फैले हुए हैं, इसलिए आप आते जाते हो कि नहीं, कभी इंडिया जाते हो कभी अमेरिका जाते हो इंग्लैंड जाते हो कभी और कहाँ जाते हो न्यूजीलैंड जाते हो कहाँ कहाँ जाते रहते हो, क्यों अपने मित्र लोग हैं परिवार के लोग सब बने हुए हैं, इसलिए तो आते जाते हो, चलो यहाँ पर एक कर्म क्षेत्र बना लिया, यहाँ पर आपके रोजगार बना लिया, इधर इस करके बना लिया, कोई इंडिया में रोजगार बना लिया कोई न्यूजीलैंड में रोजगार बना, रोजगार समझ तो अपने बिजनेस बना लिया है, तो इसलिए आते जाते रहते हैं, फिर अपने अपने स्थानों के जहाँ पर जिसको कंफर्टेबल होता है वो स्थान में उसको अपने खुटी गाड़ लेते हैं, खुटी गाड़न समझते हो मैंने अपने मकान बना लेते अपने स्थान बना लेते हैं, फिर और जगह में चलते रहते, ये संसार की सभी है, हम चलते फिरते तो चलने फिरे रमता जोगी बहता पानी, संत महात्मा के हम तो हमारे कोई तो है ही नहीं है, पानी बहते जा रहे हैं जहां पर पानी रुक गया उन पर रुक गया, फिर नाली खोल दिया फिर पानी चलना शुरू कर दिया, हम संत महात्मा उसी प्रकार ही है, समझे, इसलिए तुलसीदास का रमता जोगी
बहता पानी। किंतु आप लोग के क्या होता है, खुटी गाड़ लिया ना भाई, खुटी गाड़ी समझे, यहाँ पर भाई ये हमारे घर है, चलो हम कोई मित्र के मिलने के लिए हम जा रहे हैं, शादी के लिए जा रहे हैं, बा कोई बिजनेस के लिए जा रहे हैं, बिजनेस ये हो गया, फिर आपका ये आपके खुटी है स्थान, आना ही पड़ेगा आपको। किंतु स्वर्गलोक ऐसे स्थान है, वो खुटी का स्थान नहीं है, है वो उतना ही समय तक आप स्वर्गलोक में रहोगे जितने आप इस जगह इस स्थान पर पृथ्वी लोक में जितना आप पुण्य कर चुके हैं, जितने दान पुण्य किया, डोनेशन परेशन दिया ना, डोनेशन बॉक्स में जितना दिया वो सब लिख करके रखे और फिर वहीं पर सब हिसाब करके अकाउंट्स करके वहीं पर भेज देंगे, है फिर जब अकाउंट खत्म हो जाएगा, बैंक बैलेंस खत्म, फिर वापसी बल वृंदावन विहार लालू हो। ये स्वर्गलोक की कहा जाता है, मनुष्य लोग की कार्य कार्य ही है परोपकार करना, दूसरे के उपकार करो। जो मनुष्य दूसरे के उपकार नहीं करते हैं है, वो सारथी कहा जाता है, है मनुष्य के काम जैसे कि दूसरे को खिलाना अपने खाना, जैसे कहा ना अभी कहा ना ब्रह्मा जी यहाँ पर उठाया दूसरे के खिलाया और वो उसको खिलाया, हम एक दूसरे के हम उपकार करें, है यही मनुष्य के जीवन की एक तात्पर्य है। किंतु देखो एक बात बताता हूं, हम तो परोपकार करेंगे बस ठीक है, किंतु सर्वश्रेष्ठ उपकार क्या है इसके बारे में बताता हूं। जी आप कह रहे हैं जी स्वर्गलोक में जाओ तो फिर पुण्य क्षय हो जाने से इस संसार में आना पड़ता है, किंतु ऐसे कोई स्थान है जो जहां पर जाने से इस जगत में हमें आना नहीं पड़े, वो स्थान कहां है बताओ, है पता आपका, वो वैकुंठ धाम भगवत धाम कहा जाता है, जद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, भगवान कहते हैं मेरे धाम ऐसे एक धाम है वैकुंठ धाम कहा जाता है, जिस धाम पर जाने से जीव उस संसार से इस संसार में आना नहीं पड़ता है। और उस स्थान को जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं तो कहा स्वर्गलोक में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या बताया, पुण्य करता है, पुण्य क्या चीज है, दूसरे से संबंधित, ये संसार के दूसरे के लोगों की शरीर संबंधी वस्तु के साथ उनके कोई उपकार करना, परोपकार करना, जैसे कोई भूखा है उसके आपने खिलाया है, चलो कर दिया, जिसको पानी नहीं है पानी पिलाया है, करते ना लोग, मैंने कहा सीधी बात, दूसरे की उपकार करो, भगवान ने आपके दो रोटी दिया तो एक रोटी दूसरे के खिलाओ और एक रोटी अपने लिए रखो, आधी लिए आधी रखो, देड़ा जो है दूसरे को खिलाओ, जितना संभव है इस संसार में। हम तो लेकर के कुछ नहीं जाएंगे, कितना क्या लेकर के जाएंगे आप, कुछ लेकर के नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं सब छोड़ के जाएंगे, बहुत लोग हमारे भारतवर्ष में यहीं पर आते हैं बिना पैसे से आ गया और यहाँ पर विशाल विशाल ये बना लिया, मकान बनाया, बोले कैसे बनाए, यहाँ पर कठोर परिश्रम किया है, ऐसे से लोगों की कथा सुनते हुए आंखों से आंसू आ जाता है, बांग्लादेश से इधर आ जाता है बिल्कुल जब वो राइट हुआ, कहाँ कहाँ बिल्कुल रात वो रात भग करके आ गया, वहीं पर सारी संपत्ति के छोड़ करके आ गया है, एक भी पैसे कुछ नहीं, यहाँ पर आकर के किसी के घर में किसी के काम बर्तन आदि साफ करके फिर धीरे धीरे किसी पर के बर्तन आदि मलने लगे, साफ आदि करने लगे, किसके एक एक पैसे के जोड़ने लगे और देखते देखते बिजनेस करने लगे, फिर विशाल मकान भी बना लिया, लोग कहते हैं ऐसे, बहुत लोग ऐसे ही है, लिखा पढ़ाई यहाँ पर किया फिर अपने नौकरी किया बड़ा मकान भी बना लेते, अच्छा ये तो यहाँ पर बना लिया, फिर जब जाओगे कितना मकान लेकर के जाओगे, वहीं से जो छोड़ कर गए यहीं से भी वही छोड़ करके तुम्हें जाना पड़ेगा। एक व्यक्ति मुझे सुना रहे थे महाराज, वो कथा मुझे सुनाया, मैं बहुत ध्यान से घर से और सुना, जैसे सुना कर भाई हमारे तो बांग्लादेश में जन्म है, वहाँ पर हमारी बहुत जमीन जायदाद था, मुसलमान लोग ने जब राइट हुई सब मार काट करके सब भगाया, तो रातों में हम लोग किसी तरफ से दौड़ते दौड़ते सीमा पार करके इंडिया में आ गया। बोले अच्छा इंडिया में आकर के यहाँ पर रहा, कहाँ रहें क्या करें, शरणार्थी हो गया, 8 दिन 10 दिन महीने तो कहीं खाना मिले नहीं मिलता है, क्या करता है, किसी तरफ से हम गुजारने लगे, किसी तरफ से जो है
दूसरे के घर में बर्तन आदि साफ किया और धीरे धीरे खाना, फिर हमने यहाँ पर ये बना लिया, मकान बनाए, ये बनाए, वो बनाए, करोड़ संपत्ति कर लिया। सुनाया मुझे, मैंने कहा अच्छा बताओ अभी उम्र कितना हो गया, बोले महाराज 80 साल हो गया। आप बताओ बांग्लादेश में आप करोड़ संपत्ति छोड़ करके आया ना, हाँ, इधर कितना संपत्ति बना लिया, करोड़ बना लिया। अच्छा बताओ आप कितने करोड़ लेकर के जाओगे, 80 साल तो हो गया, 10 साल के बाद तो जाना पड़ेगा तुम्हें, 20 साल तो जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, अच्छा कितने करोड़ लेकर के जाओगे तुम बताओ। बोले एक कनाकोड़ी भी लेकर के नहीं जाएंगे। वो बांग्लादेश में जो हमें करोड़ रुपया छोड़ करके आ गया, इंडिया में हमें आ गया, यहाँ पर ही करोड़ रुपया बना लिया, सैकड़ों रुपये भी बना लिया, और जाने के समय कुछ नहीं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, एक चीज आप लेकर के जाओगे जो कोई भगवान के भजन कर लिया। एक दिन कई संत महात्मा के संग में आकर के बैठ गए, हरी कथा सुन लिया। संत महात्मा के साथ बैठने से सब कुछ हो जाता है, वो करोड़ संपत्ति से अधिक संपत्ति आपके मिल जाता है। एक साधु था, वो भगवान की सेवा के लिए एक घर में गए, जिस घर में जो है वो किसी को दान पुण्य नहीं करता था। वो संत महात्मा गए, वो बहुत बिगड़ गए, और वो डोगरी जो है वो क्या बोले, ये कर गया आंगन में, वो कर रही थी लेप, क्या बोले, लेप थी ना, अच्छा काम कर रही थी, उनके गुस्सा आ गया, अरे संत महात्मा हमारे घर में आ गए। उन्होंने किया कि वो मैला जो है, गंदी जो है कपड़ा जो है, संत महात्मा की तरफ ऐसे फेंक दिया मारने के लिए। संत महात्मा थोड़ा हट गए और उसी से थोड़ा कपड़ा को फाड़ करके वो लेकर के आया, उसके धोया, धो करके ठाकुर जी के लिए एक बत्ती बनाया, सलते होते ना, ठीक है, अच्छा बल्ब सलते जो बनाया, ठाकुर जी के भोग, ठाकुर जी का आरती किया उसमें। इसके बाद क्या हो गया, वो बूढ़ी तो मर गई, बूढ़ी मरने के बाद जम महाराज के पास गए, भाई हम लोग जो कुछ भी करते हैं मृत्यु के बाद कहाँ पर जाना पड़ता है, जम महाराज के पास जाना पड़ता है। जम महाराज के पास गए, पकड़ करके ले गए जमदूत। जम महाराज ने पूछा, अच्छा ये बुढ़िया डगरी जीवन में क्या पुण्य किया, पाप किया। जम महाराज के वो क्लाथ जो था ना, उसके नाम क्या है, चित्रगुप्त, हाँ चित्रगुप्त जो है वो बैठा था। जब महाराज बोले चित्रगुप्त इसे बताओ, इसके पाप पुण्य बोलो। चित्रगुप्त बोले महाराज ये डगरी तो जीवन में कोई किसी को दान दक्षिणा तो नहीं दिया और सबको गाली देती थी, ये इसके कोई पुण्य नहीं है, पाप पाप है। जब महाराज के दुख आ गया, बोले आज ये जीवन में कोई पुण्य ही नहीं किया, किसी के एक कड़ी काना कोड़ी किसी को दान नहीं किया। बोले नहीं महाराज, मंगलवार है ना कल, है एक व्यक्ति था, छोटा सा कथा सुन बीच में कर, एक व्यक्ति था बहुत कंजूस था, किसी को दान नहीं करता था, सब लोग जब जाते थे ना सब लोग पीछे से कहते थे तू दान नहीं करते हो, तेरे पास इतने पैसा है तू मर करके सांप बनोगे। शास्त्र में लिखा है ये जो जिसके पास बहुत धन होता है, जो पैसे किसी को नहीं देता है, अपने भोग भी नहीं करता है, वो मर करके दूसरी जन्म में क्या बनता है, वो सर्प बनेगा, सांप, सांप बन करके उस धन के जो है कुंडली पकड़ कर ऐसे सांप बनता। तो उनके सुन करके पीछे तो लोग कहते थे, उनके बहुत दुख होता था, तब उसने कहा ठीक है, पास में एक मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है ना, कल हनुमान जयंती है ना, हनुमान जी के मंदिर है, बोले मंगलवार है ना, सबको दिखा करके मैं दान दे दूंगा, कम से कम तो लोग कहेंगे हाँ एक तो कोड़ी तो दान किया। तो उन्होंने किया कि मंदिर में गए, एक कॉइन को ऐसे पकड़ करके ले गए, आज मैं सबको दिखा करके दान दे दूंगा, लोग कहते हैं मैं कोई दान नहीं देता। तो गए मंदिर में, पूजा हुआ, पूजा के बाद भाई हमारे इंडिया मंदिर होता है ना, भारत में से मंदिर होता है, ठाकुर जी पूजा आरती के बाद सबके थाली लिए जाता है, और तुम्हारी जो दक्षिणा है दे दो, एक सिक्का दे दो, कुछ भी दे दो, और नहीं दे दो तो प्रणाम करो, आरती लू आरती। अच्छा वो व्यक्ति देखा तो सब तो सामने सामने खड़े हुए थे, जब उनके पास आ गया बोले नहीं थोड़ा मैं पीछे आ जाता हूँ, पीछे चले गए। फिर पुजारी ऐसे ऐसे करते करते उनके अंत में आ गया, अंत में कहता अभी तो देना, अभी तो बारी आ गया उसको पैसा डालना। तो इतने समय उनका हाथ खोला, बहुत समय था ऐसे पकड़ करके कस करके रखा था ना, ऐसे गर्मी के समय भी था,
और ऐसे कस करके था, बिल्कुल पसीना में एक बिल्कुल डूब गया वो कॉइन, जो पैसा है ना, बिल्कुल पसीना में डबडबा हो गया, डबा है बिल्कुल पानी भर गया था। करे अरे तू तो लक्ष्मी हो, क्यों रो रही हो, मैं तुमको दूंगा नहीं भाई, हमारी तो बोले वो जेब में रख दिया, चल दिया। बोले कंजूस जो होता है वो किसी को दान नहीं करता। हाँ मैं लक्ष्मी रो रही हूँ, बड़ा पुण्य वही करता है, मर जाता है तो सब सबके लिए छोड़ जाता है। कहाँ सबके लिए छोड़ जाता है, चोर डकैत ले लेता है उसके पास। है सबके लिए कौन लाता है, वो चोर डकैत शराब पी आकर के ले जाता है, कौन लेता है उसके क्या देखता है। हर वो अपने हाथ से दान किया तो वही तो होता है। आप अपने हाथ से जो करते है ना वो आपके पास जाते हैं, आप रख देते तो क्या होता है। कोई शराब पी करके कोई चोर डकैत लेकर थोड़ी होता है। क्या सोचे भाई, जो जो अच्छा सोचता है तो दूसरे के करेगा, केवल मन से नहीं होता है। आप सोच रहे, मन से सोचता है मैं लड्डू कचौड़ी खा लिया के खा लिया, मन से सोचना नहीं होता है। मतलब किसी के बुरा नहीं करे तो अच्छी बात है, किंतु बुरा नहीं कर रहे हैं, किंतु उपकार तो करो। आपके भगवान जो आपके धन दिया, नहीं दिया तो कोई भी बात नहीं है, हमें भगवान यदि दिया तो हम करते हैं, यदि नहीं भगवान हमें दिया हम नहीं करते हैं, ये मेरा बुराई होता है। ऐसे समझ गए, हमें आपके पास नहीं है कोई भी बात नहीं है, वो तो ठीक है। यदि आपके भगवान दिया मुझे, मैं अपने लिए करूं, भगवान हमें मुझे दिया, हम दूसरे के नहीं दे रहे, तो उससे कोई फायदा नहीं, लाभ क्या होता है। ऐसे चलो, इसकी कथा मैं बोलते जा रहा था, चित्रगुप्त बोले महाराज जम रहा है, बल्कि बोले ये बुढ़िया जीवन में किसी ने दान दक्षिणा दिया ना, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, पाप पाप ही किया। बोले अच्छा कोई पुण्य तो, बोले एक संत महात्मा आए थे और उन्होंने वो कपड़ा जो है गंदी कपड़ा उसको फेंका, और संत महात्मा उसके कपड़े के कपड़ा को धो धा करके ठाकुर जी की सलती बनाया है और आरती का। बोले ये तो पुण्य हो गया थोड़ा बहुत, भाई भगवान के लिए तो किया था कुछ, कपड़ा तो दान दिया, दान नहीं था। अरे वो भी तो दान माना जाता है भाई, कुछ भी हो आप ऐसे अनजाने में तो दिया, चलो कोई भी बात नहीं है, है? बोले थोड़ा तो दान दिया। तो बुढ़िया के बोले अच्छा तू एक काम कर, क्या करना है तेरे, बोले तुझे अनंत काल के लिए तेरे नरक में जाना पड़ेगा, थोड़ा जो दान दिया ना कपड़ा दान दिया तो स्वर्गलोक में जाओ, दो मिनट के लिए, दो मिनट के लिए स्वर्गलोक में जाना, अनंत काल के लिए नरक में जाना। तो बुढ़िया जब महाराज करते हुए बताओ तू पहले कहाँ जाना चाहती हो, स्वर्ग में और नरक में। बुढ़िया चालाक थी, बुढ़िया कहने लगी अच्छा चलो स्वर्ग तो कैसे देख लेते हैं भाई, नरक तो है, भोगना तो है, पाप तो नरक कहा जाता है, भोगना तो है ही है, तो स्वर्ग कैसे देख लेता हूँ। तो उन्होंने के बोले जाओ जमदूत के बोले जाओ उसके अंदर में घुस दो और बाहर खड़े रहना, दो मिनट के बाद आ जाना। बुढ़िया उधर घूमते घूमते स्वर्गलोक में देखा, बहुत सुंदर स्थान है, जैसे मैंने कहा दिया स्वर्ग की इतना सुंदर स्थान है, एक वहां पर एक मंदिर है, विष्णु मंदिर है, किंतु कोई पाठ सुनने कथा सुनने के लिए नहीं आता है। एक संत महात्मा भागवत पाठ कर रहे थे, अखंड भागवत पाठ हो रहा था और कोई व्यक्ति सुनने वाला नहीं था, क्यों, जहां पर भोग की विलास होता है कौन सुनने के लिए जाए, कथा सुनने के लिए कौन जाएगा। सांडे हो गया, कहते महाराज आप सांडे में आ जाते हो हमारे घर, हमारे यहाँ पर आ जाते हो, सांडे में हमारे बच्चा के छुट्टी होता है, मैं बीच में चला जाता हूँ, बच्चा कहते हैं पापा मुझे सांडे के है आप बीच में लेकर के चलो, है सरकास में लेकर के चलो, ये लो चलो, तो महाराज आप सांडे में आ जाते हो। फिर मैंने कहा सर कौन सा बार में आओ, फिर मैंने कहा सर मांडे आ जाता हूँ, मांडे कहते हैं महाराज हमारे बच्चे के स्कूल जाना पड़ता है, हमें स्कूल ले जाना पड़ता है, मैं तो कौन सा दिन तेरा खाली है बता दिया, मैं उस दिन आऊंगा, तो सांडे मंडे ट्यूजडे कौन सा दिन तुम्हारे तो बिजी रहते हो। ऐसे कोई नहीं होता भाई, जिसको पूरे जन्म की स्वीकृति नहीं है वो तो केवल एक बहाना बना देंगे, हमारे ये बिजी है वो है ये है वो बता देंगे, ये शास्त्र की वचन है, हमारे पास नहीं है, है? आप लोग जो आए ना ये बहु भगवान है, भगवान ने प्रेरणा दे दिया हृदय में इसलिए आ गया, यदि भगवान प्रेरणा नहीं देते आप यहाँ पर नहीं आते, आए समझ में नहीं है, ये भगवान की कृपा आपके ऊपर है समझो, है संत महात्मा के पास आ गए। अच्छा चलो वहीं पर स्वर्गलोक में मंदिर है, उस मंदिर में है कोई नहीं है, एक संत महात्मा बैठ करके भागवत पाठ कर रहे थे, बुढ़िया जाकर के बैठ गई,
जब देखा उसमें लिखा है भागवत में संत महात्मा पाठ कर रहे थे जहाँ पर भगवान की कथा होती है, भगवान की मूर्ति विराजमान होते हैं, जम के बाप तो वह पूछ नहीं सकते। भागवत की कथा प्रसंग में है, जहां पर कथा भगवत कथा होती है वहीं पर जमदूत नहीं जा सकते। बुढ़िया सोचने लगी तो ठीक स्थान है, हमें कहीं जाना ही नहीं है, यहाँ पर बैठे रहे, 2 मिनट हो गया, 4 मिनट हो गया, 2 घंटा हो गया, वो टस से मस नहीं हुआ, बिल्कुल खुटा को जमा दी है, बिल्कुल जैसे बैठे कथा कथा चलते जा रहे हैं, ऐसे करते 5-7 घंटा हो गया। तो बुढ़िया विचार कर अच्छा चलो बाहर घूम करके आती, बाहर जब आई दरवाजा के स्वर्ग के दरवाजा तरफ आ गया, इतने समय जमदूत ने उसको लंबी हाथ से उसको पकड़ ली, है बुढ़िया देखे बड़ा 2 मिनट के लिए तू 2-5 घंटा लगा दी, उसके बहुत गाली गलत करते हुए जम महाराज के पास लेकर के आए। जम महाराज बोली बेटी क्या बात हुई, स्वर्ग लोक में गई, तुझे 2 मिनट के लिए भेजा, तू 20 घंटा क्या किया? तो बोले महाराज मैं वहां पर जो है भागवत कथा चल रही थी और भागवत कथा में बैठ गई। अच्छा तो भागवत कथा सुनी ना, भागवत कथा क्या सुना तुम ये बताओ, आते संत महात्मा के पास क्या सुना है? एक बुढ़िया थी, हर रोज जहां पर कथा होती चली जाती, बहू कहती थी तो कथा तो सुनते समझ में नहीं आते, चले क्यों जाती हो? बोले इसलिए जाते हैं ना संत महात्मा के जाने से, जहां पर कथा होती है ना नींद आती है आराम से, आराम से यहाँ पर बच्चे तो नींद आती है, इसलिए मैं संत महात्मा की कथा में जाता हूँ ना आराम से नींद आ जाती। बोले इसमें चली जाते हो? अरे नहीं नहीं संत महात्मा के पास जाओ कथा सुनने के लिए, आओ कुछ अच्छी चीज लेकर के आना। बोले अच्छा, उस दिन संत महात्मा कथा में बोल रहे थे ये देखो आप लोग कथा में आप मंदिर में आते हो संत महात्मा के पास आते हो, एक चीज काम करना, अच्छी चीज लेकर के जाना और बुरी चीज छोड़ करके जाना। बुढ़िया सोचने लगी संत महात्मा हमारे बहुत हर रोज कहती है तो मंदिर में जाते हो, सीख क्या है संत के, सीख क्या है संत, संत की सीख क्या है, संत वहां से क्या उपदेश लेकर के आया? बोले आज तो ये सीख मैं लेकर गया हमारी बहू के मैं बता दूंगी। बोले क्या करें? तो संत महात्मा ने क्या कहा याद है? बोले मंदिर में आओ संत महात्मा पाओ, अच्छी चीज लेकर जाओ और बुरी चीज छोड़ करके जाओ। बुढ़िया सोचने लगी संत महात्मा ठीक तो बोला, मेरे चप्पल जो है बिल्कुल खो गया, माने घिसते 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 इंडिया होता है ना भाई गरीब लोग के, आप चप्पल इतना घिस गया इतना 2 इंची रह गया है, 10 इंची चप्पल जो है ना बिल्कुल 2 इंची में आ गया, बाकी सब तो घिस घिस कर चला गया, उसके रिबन होने फीता होता ना वो भी तो कब चला गया, उसके रस्सी दे करके बंद करके रखे हैं है। तो विचार करने लगे मेरा जूता तो बिल्कुल बेकार हो गया, संत महात्मा ने कहा मंदिर में जूता छोड़ करके जाता हूँ और ये बुरी चीज है ना, जूता मेरा बेकार हो गया बुरी हो गया। अच्छा हाँ, और लंदन से अमेरिका से एक लड़की आई है, नई नई चप्पल है, है अच्छी तरह से ना उसको मैं देख रही चलती। कथा समाप्त हुई, बुढ़िया ने कहा कि ओ बस बड़े सुंदर लंदन की ये चप्पल है, वो लोग बहू की कहीं देखा ना संत की सिख। बोले संत की सिख क्या है? बोले बुरी चीज छोड़ करके आई और अच्छी चीज लेकर के आई। बोले बिंदा बोले ये बात नहीं, जब महाराज ने बोला बुढ़िया तू बताओ, तू जो ठाकुर संत महात्मा से बैठे भागवत की कथा सुनी, भागवत की क्या सुना तू बताओ। बुढ़िया ने कहा दी भाई भागवत में एक श्लोक संत महात्मा पाठ कर रहे थे, मैं यही सुना जी, जहां पर भगवत कथा होती है भगवत नाम होता है वहीं पर जम के बाप तक पहुंच नहीं सकते। पर तुम जम महाराज तेरे बाप तक वहीं पहुंच नहीं सकते जहां पर भगवत कथा होती है, भगवत नाम होती है कोई वहीं पर जमदूत पहुंच नहीं सकते, कोई नहीं पहुंच सकता है। बोले अच्छा ठीक तो बात तो सही है। अच्छा ये तो वे बुढ़िया बहुत चलाते, बोले महाराज, जब महाराज बोले अच्छा ये बात बताइए भागवत कथा सुनने से फल क्या मिलता है ये बताओ। जब महाराज बोले हाँ बुढ़िया तेरी बात तो सत्य है, भागवत कथा सुनने की फल क्या है? ये कथा जो है चलो हम शिव जी के पास चलते हैं। शिव जी के पास बोले देखो ये भागवत संग भगवान विष्णु है, विष्णु के पास चलते। बुढ़िया बोली थी सुबह से लेकर के यहाँ से मुझे दौड़ा कर रहे है, सुबह से लेकर के शाम तक करें शिवलोक में चलो, शिवलोक भाई विष्णु लोग इतने चलते चलते मेरे तो थक गया मैं जा नहीं सकते। ब्रह्मा जी शिव जी बोले अरे तेरा विचार तो होगा विष्णु लोक में, विष्णु लोक तो बताएंगे, विष्णु दीप विष्णु तो बताएंगे,
तू नहीं जाओगे तो कैसे बताएं? बोले मैं चल नहीं सकती, मेरे लिए कोई व्यवस्था करो। तो ब्रह्मा जी शिव ने किए, उसके सुंदर एक पालकी बनाया, पालकी समझते हो, पलान की अच्छी तरह से बनाया, सजाया, डोला सजाया और बिल्कुल वो लेट गए, आराम से जो है लेट गए। बोले मैं तो थका हुआ हूँ, मैं लेट जाती हूँ। बुढ़िया लेट गई, बोले इसको कौन लेकर चले? बड़े बड़े देवता लोग के बोले इसको लेकर के चलो आगे पीछे। फिर बुढ़िया बोले मुझे गर्मी लग रही, हवा कर। फिर देवता लोग हवा करने लगे है अच्छा और पीछे पीछे हजार लोग, जितने देवता लोग जी जो है इंद्र जी गणेश जी जितने जी सब जी, 3G 4G 10G ना कितने जी होते ना, सब जी पीछे पीछे चलने लगे। वाली कथा सुनेंगे आज, ये भागवत कथा सुनने के फल क्या है, वस्त्र तो फल क्या है। बोली इतना बड़ा एंड इतना ये पड़ गया, क्या बोले प्रशेषण पड़ गया, लंबी प्रशेषण, जुलूस जुलूस निकलते है ना। अरे भाई यार क्या बताऊं, 8-10 देवता देवता तो है, बुढ़िया के जो है वो पंखा लेकर हवा कर रहे थे, झोंक कर रहे थे, सेवा कर रहे। अरे भाई यार क्या बोले, ब्रह्मा जी शिव जी इंद्र जी गणेश जी दुर्गा जी जितने जी जी है ना सब देवता लोग सब चले। वैकुंठ के पास में आगे इतने समय दूर दूर से लक्ष्मी देवी कहने लगे विष्णु के, बोले पतिदेव आपके विष्णु लोक में आप कौन आ रहे? भगवान विष्णु बोले मेरा परम भक्त आ रहे, मेरे प्रसादी माला लिया। बोले क्या करना है? मेरे परम भक्त के उसके ये करना है, वेलकम करना है, आगमन करना। बोले क्या? बोले हाँ जी। लक्ष्मी देवी दौड़ते दौड़ते जल्दी जल्दी जाए भगवान की जो प्रसादी माला ना उसको भगवान के हाथ में दे दिया और स्वयं भगवान को बुढ़िया की गला में डाल दी है। आ गया सभा में बैठे सब देवता लोग जी लोग सब, ब्रह्मा जी शिव जी गणेश जी इंद्र जी सब जी बैठ गए, सब बैठ गए। तो सब प्रश्न ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया, हे देवाधिदेव विष्णुदेव आप ये बताइए, ये बुढ़िया प्रश्न रखा, भागवत कथा सुनने की फल क्या है? कोई एक बार भागवत कथा सुन लेते हैं देव संत महात्मा के निकट बैठ करके, भागवत कथा सुनने से फल क्या है? ब्रह्मा जी भगवान विष्णु का भागवत कथा सुनने की फल यह है। बोले क्या है? ये आप लोग सब यहाँ पर लेकर के आए ना, मेरे लोग में आप लोग लेकर के आया है, यही भागवत कथा की सुन। जो भगवान की कथा श्रवण कर लेते हैं वो साक्षात भगवत धाम में पूज्य धर्म परिचित कोई तो वत्र पर्व निमत्सर सता वेद वास्म तापत्र उन्मलम श्रीमद भागवते महामुनि कृते किंग बा परिसर सद्द हृदय अवरुद्धते कृति भी सुश्रुभि तत्खनात। बोले भगवान की कथा सुनना तो बहुत दूर की बात, कथा सुनने की इच्छा मन में आ जाए, कहते भगवान कहते उसके हृदय में मैं ही बैठ जाता हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल, इसलिए आप लोग सौभाग्यवान है, किसी भी प्रकार से जैसे भगवान की प्रेरणा से आप लोग आए, कोई अपनी इच्छा से नहीं आता है। हमारे तुलसीदास जी क्या, एक भगवान की इच्छा बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, भगवान की प्रेरणा दिया, इसलिए हम लोग यहाँ पर दीदी के घर में आए हैं, एकत्रित हुए हैं, भगवत कथा हम चर्चा कर रहे हैं, भगवत नाम कर रहे हैं। संत महात्मा के पास बैठ करके क्या करना चाहिए? थोड़ा हाथ ताली देकर थोड़ा प्रभु के नाम कर लो, बस हो जाएगा सब। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम हरे राम। Hare Krishna, Hare Krishna.
वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। अभी से प्रसाद महाराज जी की कथा अभी आज दो दिनों है महाराज जी ह्यूस्टन में, कल और परसों। तो नाइट भी है प्रोग्राम का टेंपल, 7:00 आरती, 7:30 टू 9 महाराज जी भागवत कथा। भागवत कथा सुनने का कितना बड़ा फल है, आप लोग सब आइएगा, ठीक है। ये बातें कोई ऐसे वो नहीं है, यू नो, बनी बनाई बातें नहीं है, ये सत्य है। दीज आर ट्रू फैक्ट्स ऑफ हियरिंग श्रीमद् भागवतम फ्रॉम अ प्योर डिवोटी। एंड देन टुमारो वी आर सेलिब्रेटिंग हनुमान जयंती एट द टेम्पल, सो 3:30 विल बी सुंदरकांड पाठ, एंड देन 3:30 टू 6:00 एंड देन महाराज जी का कथा, 5:45 till 7:00 महाराज जी का कथा अगेन, एंड देन वी हैव आरती एंड वी हैव प्रसाद। सो प्लीज ज्वाइन बोथ ऑफ द डेज एज मच, एंड देन टेल योर फ्रेंड्स, टेल योर गिव द मैसेज ऑन व्हाट्सएप और व्हाटएवर द कम्युनिकेशन मीडिया यू हैव इजी। सो प्लीज स्प्रेड द मैसेज फॉर 2 more days टू दिस एसोसिएशन, वी गेट द बेनिफिट एज मच एज वी कैन। सो प्लीज सब आ जाए, ठीक है। और सब लोग हरिनाम करो, है? क्या नाम करोगे? हरिनाम क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये नाम करने से चित्त शुद्धिकरण हो जाता है, पवित्र रहता है, योर माइंड विल बी प्यूरिफाइड। भगवते नाम करने से आपके चित्त इतने पवित्र हो जाएगा, मन में कोई पाप ही आएगा नहीं, पाप करने की वृत्ति तक नहीं रहेगा, और सारे पाप अपने आप नष्ट हो जाता है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पाप पाप बीज, यहाँ तो पाप करने के वासना तक भी जो है, इच्छा जो है ना, वो भी सदा के लिए समाप्त हो जाए। इसलिए भगवत नाम करो सब, जब आपके समय मिल जाए। है समय मिलता है आपके पास? है आप क्या करती हो? बच्चा को देखते हो ना? कोई भी बात नहीं, बच्चा जब सो जाते हैं ना, सोता ही नहीं बच्चा, तो उस समय कर नाम कर लेना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कर लेना, ठीक है। है करोगी नहीं? है? ये बच्चा भी करता है सारा दिन, मम्मा हरे कृष्णा। हाँ, ये बच्चा अच्छा है ना, इसके लक्षण अच्छा है। हाँ, सोते है? मम्मा गुड नाइट हरे कृष्णा। हाँ, देखो कितना बच्चा है, जन्म की संस्कार है ना, आपके भी कहते हैं, आपने सिखा दिया। घर पे भी करते हैं महाराज, घर पे भी बुलाती है। हाँ हाँ, अच्छा लगे। आपके पति देव क्या काम करते हैं? आपके स्टोर है क्या? क्या जी? हाँ आरती कर लो महाराज जी, जितनी भी लेडीज अभी कुछ आई नहीं है, तो सबके घर में जा जा के। हाँ यही तो प्रचार है, थर्सडे को करते हैं। महाप्रभु ने कहा जी, पृथ्वी ते आशीष जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई भी नाम मोर नाम। महाप्रभु ने कहा पृथ्वी में जितने गांव जितने घर है, सब घर में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, सब घर में ये गूंजेगा, गूंजते रहेगा नाम संकीर्तन, ठीक है ना। हरि नाम करो। है आपके कितने बच्चा है? एक ही है ना, और है? एक ही है। वो क्या नाम रखा है इसका? अरिजीत। है अरिजीत, अच्छा नाम है। इधर हरि माने शत्रु के जीत करने वाले, ये भगवान के नाम है अरिजीत, अच्छा नाम रखा। आपका नाम क्या है? कोमल, अच्छा वो अच्छा ही नाम रखा आपका माता पिता, बहुत अच्छा है। ये बच्चा मेरे घर पे आया, मेरे घर पे छोटे काना है स्विंग पे, उनको घी खिलाया था, लेले की। हाँ, वो घी का घी का मुंह में खिला रहा है, वो खोल के ये समझा बटर है, उससे उंगली से उठा के कृष्णा को खिलाया, तो बोला मम्मा कृष्णा ने बटर, बहुत अच्छा है। ये बच्चा आपके कितने साल के हो गए? अभी 2 साल का। 2 साल का है, बहुत अच्छा। देखो कितने संस्कार है ना, जन्म जन्म की संस्कार है, इसलिए तो आपको भी बोलते हैं माम हरे कृष्ण गुड नाइट बोलते हैं। हाँ। चलो अच्छी बात है। कृष्ण जानते हो? हाँ, आरती करो। गौरांग
Mama, saki, ta, ta, ta.
Yeah, you see my beard. Yeah,